वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आपकी की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आज का व्लॉग मैंने रात के खाने से ही स्टार्ट कर दिया था और व्लॉग बहुत मज़े का है व्लॉग को मिस नहीं करना आप लोगों ने फुल वीडियो वॉच करनी है लास्ट तक और चैनल पर अगर आप नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि उससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलता रहे इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलें और फेसबुक पेज को भी फ़ॉलो करना मत भूलें वो भी मेरे चैनल के नेम से ही है तो चलें ब्लॉक की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर रोटी वगैरह बन रही हैं और खाना बन चुका था ऑलमोस्ट और बस यहाँ पर रोटी वगैरह के साथ दूध की तैयारी होगी क्योंकि लाहौर में लोड शेडिंग और बहुत ज़्यादा हो रही है गैस नहीं है लाइट नहीं है पानी नहीं है तो इतनी गर्मी में भी यहाँ पे गैस जाती है तो बस नौ बजे का टाइम था और यहाँ पे रोटी वगैरह के बाद दूध को ही से बॉईल कर लें क्योंकि दूध ख़राब हो जाता है रात के टाइम पे ज़्यादा अगर वो उसको ठीक तरीके से बॉईल ना करे तो, तो बस यहाँ पर रोटी वगैरह बन गई थी सुबह के लिए आटा भी भिगो लिया था नाश्ते के लिए पराठे वगैरह जो बनते हैं इसके और यहाँ पे मैं चटनी वगैरह यानी कि जब वो दिखा रही हूँ और ये देखें छोटी सी डिब्बी में डाल के रखी हुई है मुझे ना इस तरह की डिब्बी बहुत अच्छी लगती हैं छोटी छोटी सी और बस यहाँ पे ना धनिया मिर्ची और पुदीने की चटनी बनाकर तो इस तरह से छोटी छोटी सी डिब्बियों में भी डाल के रखी हुई है और मैं यहाँ पर बस चटनी बनाने लगी दही के साथ और ये बहुत मजे की बनती है टेस्टी होती है और आप लोग भी कोशिश किया करें कि खाने हर खाने के साथ दही खाया करें तो आज हम लोगों ने खाने में बनाया था अरबी गोश्त और साथ में रोटियाँ और साथ में चटनी यानी कि रहता राय रह। और ये बहुत टेस्टी बना था बहुत यमी बना था मैं वही सर करी तो मुझे दोबारा से मुंह में मेरे पानी आ गया और ये बहुत आपको दिखने में लग ही रहा कि इतना यमी था बस यहाँ पे अब आटा जो सा था बच गया था अब इसको मैं डब्बे में निकालूंगी बाकी सालन भी मैंने निकाल के रख लिया है और चाय वगैरह की तैयारी हो रही है चाय मैंने रख दी हुई है अच्छी तरीके से पकड़ी है और एक साइड पे दूध बॉईल कर रही हूँ और बस इसको अब खड़ी हुई हूँ कि दूध को उबॉल ना आ जाए क्योंकि कल भी इसी तरह से दूध को बोईल आ गया था आज खड़ी हुई तो अभी तक दूध को ऊपर उबॉयल ही नहीं यानी कि आ रहा तो अब मैं एक मिनट के लिए साइड पर उठूँगी तो दूध उबल जाएगा तो मैंने कहा चले आज वीडियो भी बनाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ और चाय को मच्छे तरीके से थोड़ा सा फेंट रही हूँ और चाय थोड़ी सी मज़े की बनेगी इस तरह से आप लोग भी चाय को फेंटा करें और चाय पका कि कौन कौन पीता है मुझे पता है और मुझे बताएं किस किस को चाय स्ट्रॉन्ग अच्छी लगती है पतली अच्छी लगती है या गहरी या स्ट्रॉन्ग मुझे ज़रूर बताइएगा और बस यहाँ पे देखिए मैं दूध का वेट कर रही हूँ क्योंकि गैस जाने वाली है तो मैं कह रही जल्दी से बाला आ जाए फिर मैं इसको सिलेंडर में धर दूँगी लेकिन ये बाला आने का इनाम ही नहीं ले रही मैं कह रही मैं एक साइड पर यहाँ पर हटूँगी तो वहाँ से दूध उबल जाएगा तो बस मैं इसलिए देखी गैस भी कम हो गई है तो मैं खड़ी हुई हूँ बाकी यहाँ पर सालन हो बाकी का मैंने निकाल लिया ये भी भी खा लेंगे और मैंने भी खाना नहीं खाया था मैं कहती बस जल्दी से किचन क्लीन हो जाए उसके बाद आराम से ही खाना खाऊंगी यहाँ पर जग में पानी फिल्टर कर भर के रख दिया खाने के लिए क्योंकि खाने में खाना बनाने में यूज़ होता है साथ में यहाँ पर बर्तन से खाना वगैरह खा लिया था और मैंने कहा ये भी साथ साथ वॉश कर लूँगी और वो देखे मैं ज़रा सा भी साइड पर ही गई हूँ तो दूध को फ़ौर से ऊपर से वो बॉयल आ गए तो, से से तो मैंने फ़ौर से शुक्र एक कैमरा ऑन था तो मैंने वीडियो बना लिया और मैं फटोफट से मुझे वीडियो पे मेरा ध्यान नहीं था मैंने फ़ौरन से चूल्हे को देखा और मैंने फ़ौर बंद किया तो शुक्र लगा कि दूध नहीं गिरा पता चल गया और यहाँ पे मैंने आटा भी निकाल के डब्बे में डाल दिया है और साथ में सालन जोन सा एक्स्ट्रा था वो भी मैंने डब्बे में डाल दिया है और बस इसी के साथ यहाँ पे दूध भी देखे हो गया और बर्तनों को भी वॉश कर लिया मैंने बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं चाय भी मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है बस यहाँ पे ये यह चाय वाला तो क्योंकि इसमें भी दोबारा से फिर चाय बन जाएगी तो मैंने इसको वॉश नहीं किया और बस इसी के साथ ना यहाँ से व्लॉग जो था मैंने एंड कर दिया था फिर मैंने रात को इतना व्लॉग नहीं शूट किया तो ये नेक्स्ट डे था सुबह का और यहाँ पे नाश्ते का व्लॉग मैंने भी यहाँ से स्टार्ट कर दिया और ये देख सकते हैं यहाँ पे नाश्ते में मैं बना रही हूँ ब्रेड एंड एग और साथ में मक्खन लगा रही हूँ साथ में चाय तो ज़्यादातर अब तो गर्मी इतनी है कि दिल नहीं करता अंडा भी खाने को तो फिर कभी मक्खन या जैम चाय के साथ चाय तो लाजमी होती है एक टाइम तो चाय लाजमी भी नहीं होती है लेकिन हमारे घर में एक टाइम नहीं दो टाइम तीन टाइम चार टाइम जब भी दिल करे तो चाय ही पीते हैं तो बस यहाँ पर सुबह के टाइम पे दोपहर के टाइम और शाम को तो यहाँ पे कावा अच्छी तरीके से मैं पका रही थी और उसके बाद यहाँ पे मैंने आमलेट टाइप में यानी कि ये देख सकते हैं एग बना लिए थे साथ में मक्खन भी मैंने लगा लिया था ब्रेड को ये देख सकते हैं आप और ये बहुत टेस्टी लगता है चाय के साथ आप खाए ना तो मज़ा ही आ जाता है खाना नाचते हैं मैं ना इस, इसका तो इतना था मैं तो जैम एक साइड पे जैम लगाती हूँ एक साइड पे बटर लगा कर और उसको खाती हूँ तो बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे तो बट दिल नहीं कर रहा था तो काफ़ी टाइम के बाद मैं बटर यानी कि बटर और एग खा रही हूँ मतलब कि मैं तो पराठा वगैरह ही यूज़ कर रही थी यानी कि खा रही थी और आज ही एग नाश्ता कर रही हूँ ऊंडा वरना अदरवाइज़ मैं नहीं बनाती मेरा दिल नहीं करता गर्मी की वजह से मैं सालन के साथ पराठा ले लेती हूँ चाय के साथ तो मैंने आज ब्लॉक यहीं से स्टार्ट कर दिया मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि रोज़ाना ही खाने में नाश्ते में चेंज होता है कभी नान चने हो जाते हैं कभी पराठा हो जाता है सालन के साथ कभी अंडा ब्रेड हो जाता है जैम हो जाता है इसलिए तो मैं ब्लॉक नहीं शूट करती इतना तो इन आगे से प्रॉपर व्लॉग शूट कर रखूँगी और उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैंने मशीन लगा ली थी तो पानी वगैरह डाल के मशीन चला ली थी मुझे याद आया कि व्लॉग में तो दिखाना है तो यहाँ पर हम लोग बड़े वाले सरफ पहले लेते थे तो वो हिसाब नहीं रहता था वो मुझ मैं सारा ही पैकेट डाल देती थी इस तरह से अब मैंने कहा कि नहीं इस तरह से मैंने एयरेल का बड़ा पैकेट सर्फ एक्सेल और बोनस के मैंने इस तरह से पैकेट मंगा लिया इस तरह से ना ईजी ही रहता है इंसान चार या पाँच पंच के हिसाब से डाल दे क्योंकि मैंने पानी को बनाना होता है वॉश यानी कि पानी मैंने चेंज करना होता है दो से तीन मरतबा क्योंकि पहले वाले यानी कि भूड़ में यानी कि मैं डालती हूँ टावल वगैरह और उसके बाद बनाने वगैरह जो सी होती हैं जेंट्स की फिर दुपट्टे वगैरह और निकाल लेती हूँ फिर शर्ट्स फिर पानी को चेंज करने के बाद दोबारा से मैं शर्ट जो उनसे मरदाना कपड़े होते हैं वो वॉश करती हूँ और उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम फिर बेड के लिए फिर बनाती हूँ तो इसलिए मुझे ना ये आसानियाँ शाशें यानी कि जो ये मिलते हैं तो आसानी से ये डल जाते हैं बड़े वाला जो पैकेट होता है वो फिर मुश्किल हो जाती है मेरे लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा डाल देती थी तो ये आसान हो गया था तो ज़्यादा व्लॉग नहीं छूट किया बस ये लास्ट वाला बूट था यहाँ पे मैं बेडशीट वग़ैरह पर्दे वगैरह वॉश कर रही हूँ दोबारा से पानी बना था और कपड़े वगैरह हाफ़ डाल दिए थे मैंने तो बस ये लास्ट वाला बूट चल रहा है उसके बाद फिर मैं फ़ारिक हो जाऊँगी और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल मिलूंगी हाफि हाफिज़